CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देश में GST को लगे करीब 31 महीने होने के बावजूद भी आज तक GST की रिटर्न फाइल करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि GST की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी होती है और GST विभाग का पूरे भारत में पोर्टल सही ढंग से खुल नहीं रहा, जिसके कारण GST फाइल करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों के कारण जहां व्यापारी वर्ग प्रेशर में है, वहीं रिटर्न भरने वाले CA और वकील भी परेशान हैं, जिसको लेकर आज पूरे भारत में टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा GST विभाग को मांग पत्र दिया जा रहा है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। साहब, आज GST को लेकर कुछ समस्याएं आ रही है आपको, आप यहाँ पे कमिश्नर को मिलने आए हो, क्या समस्या आ रही है? सर, ये ऑल इंडिया लेवल पर समस्याएं हमें आ रही हैं। आज सारे इंडिया में आज के दिन में हमने दिन तय किया कि हम मेमोरेंडम देंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो आज हम मोगा में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि GST का जो फेल्योर है, कि जो हम रिटर्न्स फाइल करने जाते हैं, कुछ भी हम वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो रिफंड के रिलेटेड है, चाहे रिफंड रिटर्न्स के रिलेटेड है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है पोर्टल, या उसमें टेक्निकल ग्लिचेज आती हैं। असेसिस के सारे जो पेनल्टीज बियर कर रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, और प्रोफेशनल और उनके स्टाफ को लेट नाइट्स ऑफिस में बैठना पड़ता है। 31 मंथ्स हो गए हैं और कोई भी सुधार अभी तक ये ला नहीं पा रहे हैं। क्या और क्या समस्या आ रही है इसके अलावा? यहाँ पे हर ऑल ओवर इंडिया इंटरेस्ट के नोटिस इशू होने शुरू हो गए हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस कुछ भी नहीं है। चाहे रिटर्न लेट फाइल की अगर किसी SSC ने, अगर वो सेकेंड एंड थर्ड चेन में वो फॉल करता है, तो उसका जो टैक्स है वो ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है फर्स्ट डीलर से, जिससे उसने परचेजेस करी हैं। बट मैम, आज मोगा का कुछ CA जो आपको मिले हैं, उनको दिक्कत आ रही बड़ी कि पोर्टल डाउन हो जाता है GST के लिए, तो क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन हमने तो क्या दिया, लेकिन वो ये है कि लास्ट डेट में पोर्टल डाउन हो ही जाता है, क्योंकि लास्ट डेट में सभी लोग एकदम से रिटर्न फाइल करने लाते हैं एक साथ, तो उसकी वजह से पोर्टल तो डाउन होएगा ही ना, ऑल ओवर इंडिया में ही। तो सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे उनका बोलना कि 31 मंथ हो गए हैं, रेगुलर ये दिक्कत आ रही है। तो बात तो यही है ना कि अगर वो 31 लास्ट डेट को ना वेट करते तो टाइमली इसको सबमिट कर देते तो नहीं होता ना। कितनी आपके हिसाब से कितनी देर से दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो ये GST के स्टार्टिंग से ही है, लेकिन उसमें बात ये है कि लास्ट डेट को अगर वेट करते रहेंगे तो नेचुरली यही होएगा ना। तो सिस्टम की तो एक कैपेसिटी होती है, ऑल ओवर इंडिया अगर सब लोग लास्ट डेट को रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो क्रैश होएगा ही। तो क्या कहना चाह रही होगी अगर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टाइम से रिटर्न फाइल करें लोग, है ना, लास्ट डेट को वेट ना करें, टाइम से फाइल करेंगे तो नेचुरली। कितना पीरियड दिया जाता है पार्टी को रिटर्न फाइल करने? मंथ के बाद 20 डेज 20 दिन रहते हैं पार्टी के पास। 31 मार्च की रिटर्न 20 अप्रैल तक फाइल करनी है।